खबर साहिबगंज झारखंड से। विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों में पैदा कर सकता है इंस्पेक्शन का नया नजरिया, उपायुक्त। मीडियम स्कूल पुलिस लाइन में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। जिला शिक्षा परियोजना की ओर से शहर की मिडिल क्लास पुलिस लाइन में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बताओ मुख्य अतिथि जिले के उपायुक्त श्री राम निवास यादव ने दीप प्रज्वलित किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों में इनोवेशन का नया नजरिया पैदा करता है। कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इसलिए जरूरी है कि आप सभी आवश्यकताओं को समझें। उन्होंने कहा खोज करने की इस चाहत के साथ आगे बढ़ते रहें। प्रखंड स्तर पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में पहले 3 स्थानों पर आने वाले स्कूल के प्रतिभागी बच्चों को ही जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिल सका। उपायुक्त ने बारी बारी से सभी स्टॉल का निरीक्षण किया, बच्चों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी देखी। इस क्रम में उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी ली। जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत करने वाले मध्य विद्यालय इस्लामपुर बसलबा, प्रथम प्लस टू आदर्श कन्या उच्च विद्यालय पोखरिया द्वितीय और मध्य विद्यालय के स्थान पर विद्यालय सभी विजेताओं का उपायुक्त के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा, जिला शिक्षा अधीक्षक राकेश कुमार, ADPO आशीष कुमार, बालिका शिक्षा कोऑर्डिनेटर अनीमा सिंह, APO राकेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। इसका कारण ये है कि जो कंसेप्ट हम साइंस, मैथ या किसी भी अन्य सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उस कंसेप्ट को विजुलाइज करते हुए आप अगर किसी अन्य को भी समझाते हैं किसी माध्यम से, वो एक प्रदर्शनी है। कोई भी आप कंसेप्ट ले लीजिए, चाहे न्यूटन का लॉ ले लीजिए, मानव शरीर के डिफरेंट अंग कैसे काम करते हैं वो हम कर सकते हैं, फिजिक्स के बहुत सारे थ्योरम्स हैं, हम लोग उसको एक थ्योरेटिकली पार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन जब उसी चीज को किसी प्रैक्टिकल या किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चा लाइफ भर उस चीज को भूलता नहीं। खबर भारतवर्ष के लिए साहिबगंज झारखंड से सुमन कुमार झा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।